सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों के धर्म के प्रति अपनी शहादत देने के बलिदान को जो है बलिदान दिवस के मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुद्वारे में मत्था टेका। सीएम धामी आज खटीमा के मुख्य बाजार पर स्थित गुरुद्वारे पहुंचे और आशीर्वाद लिया। उन्होंने देश की सुख शांति और प्रदेश की खुशहाली के लिए अरदास भी की। साथ ही प्रधानमंत्री द्वारा आज के दिन को वीर बलिदान दिवस के रूप में मनाने पर भी उनका धन्यवाद किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा गुरुद्वारे में माथा टेक कर गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों की शहादत को याद किया। मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि आज ही के दिन सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गोविंद गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने धर्म के लिए अपनी शहादत दी थी। देश में लंबे समय से मांग थी कि धर्म के लिए अपनी जान देने वाले नन्हे बालकों के बलिदान को आने वाली युवा पीढ़ी जाने और से सीख ले। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। एमके न्यूज की डेस्क रिपोर्ट। अनोखा 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह और उनके चारों साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की महान शहादत जिन्होंने धर्म की रक्षा करी, तमाम प्रकार के अत्याचारों को सहन करना स्वीकार किया, अपने प्राणों का बलिदान देना स्वीकार किया, दीवार में चिना जाना स्वीकार किया, लेकिन धर्म के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता स्वीकार करना स्वीकार नहीं। उनकी महान शहादत को मैं नमन करता हूं। भाइयों बहनों, गुरु गोविंद सिंह जी साहब और उनके समस्त परिवार का जीवन जहां हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, वही गुरु साहब के चारों साहबजादों का बलिदान आज भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अंदर विश्व का एक अनोखा इतिहास का अध्याय है।